वैसे तो रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं, खासकर T20 फॉर्मेट में, और IPL के फैन तो इसे अच्छे से जानते हैं। भले ही यह लीग रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए जानी जाती है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिन्हें तोड़ पाना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 15 होश उड़ा देने वाले रिकॉर्ड्स की, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। सब राज्य खुश है। नंबर 1, मोस्ट रन इन वन सीजन। T20 बल्लेबाजों का फॉर्मेट है, लेकिन इमेजिन करिए अगर कोई बैट्समैन एक ही सीजन में लगभग 1000 रन बना दे। जी हाँ, ये अनरियल सा लगने वाला कारनामा करा है किंग कोहली ने। कोहली ने IPL 2016 के 16 मैचों में 81.08 की शानदार एवरेज से 973 रन जड़े थे। जहाँ कोई प्लेयर्स पूरे IPL करियर में एक सेंचुरी नहीं लगा पाते, वहीं कोहली ने एक ही सीजन में 4 सेंचुरी जड़ दी थी। वर्तमान में कई पावर हिटर्स और बड़े रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, बावजूद इसके यह रिकॉर्ड टूटना मुश्किल ही लगता है। नंबर 2, हैट्रिक की हैट्रिक। IPL के इतिहास में अब तक 18 बॉलर्स ने हैट्रिक बनाई है, लेकिन जो कारनामा अमित मिश्रा ने करा है वो कर पाना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल लगता है। मिश्रा ने IPL में 3 बार हैट्रिक चटकाई है और एक बार हैट्रिक बनते बनते रह गई जब ट्रेंट बोल ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था। नंबर 3, बेस्ट IPL बॉलिंग स्पेल। IPL का फॉर्मेट बॉलर्स के पक्ष में नहीं जाता है, बावजूद इसके कुछ बॉलर्स अविश्वसनीय प्रदर्शन कर जाते हैं। ऐसा ही 2019 में हुआ जब अलजारी जोसेफ ने पहले से ही अटूट रिकॉर्ड को तोड़ दिया। MI से खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में ही अलजारी जोसेफ ने 3.4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट चटका दिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के सोहेल तनवीर के नाम था, जिसने 14 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। नंबर 4, मोस्ट कंजेकेटिव विन। KKR IPL की सबसे सफलतम टीमों में से एक है। IPL 2022 और 14 की चैंपियन रही इस टीम ने लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल IPL 2014 में KKR अपने शुरुआती 7 मैचों में 2 ही मैच जीत सकी थी और टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर थी, लेकिन उथप्पा और गंभीर की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया और टीम बिना मैच हारे फाइनल तक जीत ले गई। नंबर 5, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। यूनिवर्स वॉच यानी क्रिस गेल ने कई आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें से एक है हाईएस्ट इंडिविजुअल का रिकॉर्ड। गेल ने IPL 2013 में RCB के लिए सिर्फ 66 बॉल में 175 रन जड़ दिए थे। इसके अलावा गेल ने इसी मैच में 30 बॉल में सेंचुरी बना दी थी, जो कि IPL की अब तक की फास्टेस्ट सेंचुरी भी है। पूरी पारी में गेल ने 13 चौके और 17 गगनचुंबी छक्के उड़ाए थे। इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए। नंबर 6, द स्पेशल कोहली एंड ABD शो। IPL 2016 में विराट और ABD ने गुजरात के लॉयंस के खिलाफ 239 रनों की पार्टनरशिप करते हुए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि 2015 में MI के खिलाफ 215 रनों का था। मैच में कोहली ने 55 बॉल में 109 रन, जबकि डिविलियर्स ने 52 बॉल्स में 129 रन बनाए थे। वैसे पिछले साल KL राहुल और डीको के बीच 210 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। नंबर 7, मोस्ट सिक्सेस इन IPL हिस्ट्री। क्रिस गेल ने IPL करियर में कुल 357 सिक्स लगाए हैं। लगाए क्या है भाई साहब, उड़ाए हैं। किसी भी बैट्समैन के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर इसके आसपास भी नहीं है। सेकंड पर डिविलियर्स है, जिन्होंने 251 सिक्स लगाए हैं। नंबर 8, मोस्ट फोर्स इन IPL हिस्ट्री। शिखर धवन IPL हिस्ट्री में 700 प्लस चौके लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर है। सेकंड पर विराट है, जिनके 578 चौके हैं। जब तक धवन रिटायर्ड नहीं हो जाते, तब तक शायद ही कोई बैट्समैन धवन को पीछे छोड़ पाएगा। नंबर 9, मैसिव टीम टोटल। RCB के नाम IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल बनाने का रिकॉर्ड है। RCB ने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। इस मैच में चिन्नास्वामी स्टेडियम में गेल नाम का तूफान आया था। गेल के 175 रन और डिविलियर्स के 8 बॉल में 31 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग से RCB ने 263 रनों का स्कोर बना दिया था। नंबर 10, मोस्ट रन इन डेथ ओवर। डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड MS धोनी के नाम है। धोनी ने सबसे ज्यादा 2530 रन बनाए हैं, जिसमें 152 सिक्स और 195 चौके शामिल है। इस मामले में कोई इनके आसपास भी नहीं है। नंबर 11, सुपर ओवर ड्रामा। 18 अक्टूबर 2020 की तारीख लगभग सभी IPL फैंस को याद है। इस दिन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 सुपर ओवर खेले गए थे। पहला मैच KKR और सनराइजर के बीच खेला गया, जिसमें 164 रनों का पीछा करने उतरी सनराइज स्कोर इक्वल करा जाती है। इसके बाद सुपर ओवर में हैदराबाद के वॉर्नर और अब्दुल समद 2 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं, जिसे KKR के कार्तिक और मॉर्गन ने आसानी से जीता दिया। इसके बाद दूसरा मैच MI और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाता है, जहां 176 रनों का पीछा करते हुए पंजाब
औजार 176 रन ही बना पाती है। इसके चलते सुपर ओवर खेला जाता है जहां बुमराह ने केएल राहुल और पुरन को सिर्फ 5 रन ही बनाने दिए। इसके बाद पंजाब के मोहम्मद शमी ने भी 5 रन से ज्यादा नहीं बनने दिए। तब दूसरा सुपर ओवर खेला गया जहां मुंबई ने जॉर्डन के एक ओवर में 11 रन बनाए, लेकिन इस बार पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को जीत दिला दी। नंबर 12 है मोस्ट आईपीएल फाइनल। एमएस धोनी 10 बार आईपीएल फाइनल खेलने वाले एकमात्र कैप्टन है। धोनी ने 4 बार आईपीएल टाइटल जीते हैं। धोनी ने 9 बार चेन्नई और 1 बार पुणे सुपर जायंट्स को फाइनल तक पहुंचाए हैं। इसी के साथ धोनी का सबसे ज्यादा मैचों में कैप्टनसी करने का रिकॉर्ड भी है। नंबर 13 कंसेक्यूटिव सीजन विद 300 प्लस रन। किंग कोहली पिछले 13 सीजन से 300 प्लस स्कोर करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। रन मशीन कोहली 2010 के बाद से सभी आईपीएल में 300 प्लस रन बनाए हैं। लगातार ऐसी परफॉर्मेंस शायद ही कोई खिलाड़ी दे पाए। नंबर 14 द ग्रेटेस्ट बॉलर इन आईपीएल हिस्ट्री। एडम गिलक्रिस्ट एकमात्र क्रिकेटर है जिसने अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ एक बॉल फेंकी है और उस पर भी विकेट चटकाया है। पंजाब के 183 रनों का पीछा करते हुए एमआई को लास्ट ओवर में 50 रनों की जरूरत थी और उनका सिर्फ एक विकेट ही बाकी था। तब पंजाब के विकेट कीपर बैट्समैन गिलक्रिस्ट बॉलिंग के लिए आते हैं और पहली बॉल पर हरभजन को आउट कर देते हैं। इसी के साथ ही अनब्रेकेबल सा रिकॉर्ड बन जाता है। बोनस फैक्ट्स, सोन मार्च एकमात्र विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ी है जिसने ऑरेंज कैप जीती थी। मार्च ने 11 मैचों में 618 रन बनाए थे। युवराज के नाम एक ही सीजन में 2 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। आरसीबी के नाम न्यूनतम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। इन्हें 2017 में केकेआर ने 49 रन पर ऑल आउट कर दिया था। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में हैट्रिक का रिकॉर्ड भी है। आपका फेवरेट आईपीएल प्लेयर कौन है हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा।